गिलानी साहब कुछ भी कोशिश कर लें, चाहे पत्र लिख लें चाहे कुछ लिख लें, वो गिलानी साहब का पूरा जो एक तरीके से संदर्भित रहने की जो एक रणनीति है वो यही है कि कुछ न कुछ आप शगुफे छोड़ते रहिए। गिलानी जी इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हर वो सुविधा लेते हैं जो हिंदुस्तान का नागरिक लेता है। और उनका सिर्फ ये है कि कभी कभार ऐसी चिट्ठी भेज देंगे, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें वो अपने आप को जम्मू कश्मीर के नजरिए में थोड़ा सा एक रेलेवेंट रखें और कुछ हो सकता है और उनको मदद मिलती हो पाकिस्तानी से या पाकिस्तान के समर्थित संगठनों से, वही कुछ है। गिलानी साहब कहते जरूरत से ज्यादा हम उनको भाव देते हैं। गिलानी साहब की राजनीति से हम वाकिफ हैं, उनकी राजनीति वो हाशिए पर जाते जा रहे हैं कश्मीर में और इबन वैली में, उनकी जो फॉलोइंग थी वो उसमें बहुत भयंकर कमी आई है और इस बात का एहसास मैं समझता हूं हमारी सरकार को होना चाहिए और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी लेकर के कश्मीर में जाए ताकि गिलानी साहब जैसे लोग मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाएं कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ केंद्र सरकार को एक सख्त रवैया और एक कोमल भावना से कश्मीर के अंदर उनको अपनी नीतियों को जमीन पर उतारना होगा ताकि जो कश्मीर के जो मसले हैं रोजमर्रे के उसका अगर हल हो जाएगा तो गिलानी साहब की चिट्ठियां या वो बोरी भर चिट्ठियां लिखें उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेट दी हुरियत राइट एनीथिंग दैट दे वॉन्ट, वी शुड नाइदर बी कंसर्न नॉर ऑफेंडेड। एन इंडिविजुअल हैज द लिबर्टी टू राइट टू हुमसोएवर ही विशेस टू राइट, ही कैन इवन राइट अ लेटर टू गॉड, बट इवन गॉड नोज दैट दे आर ओनली मिस्चीफ मॉन्गर्स, दे आर ओनली सेपरेटिस, दे आर एंटी नेशनल्स एंड हेंस इट रियली डजेंट मेक अ डिफरेंस टू अस व्हाटएवर। पाकिस्तान आई एम श्योर विल नॉट बी मिसलेड by Hurriyat as in the past.